तो आप सभी का स्वागत है नॉलेज वाला पे। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे हार्दिक पांड्या की जिंदगी के बारे में, और बात करेंगे ऐसी 10 बातों के बारे में जिन्हें शायद कोई नहीं जानता, और कोशिश करेंगे ये बातें आपको एक अलग लेवल पे इंस्पायर कर सके। पर सबसे पहले, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही फैक्ट्स और अमेजिंग इंस्पायरिंग लोगों से जुड़ी बातें आपके बीच लाता रहूंगा। सो प्लीज सपोर्ट मी कि मैं ऐसा काम करता रहूं और ऐसे ही सभी तक ऐसे स्टार्स की कहानी पहुंचा सकूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि सबसे लास्ट का जो फैक्ट है वो हार्दिक पांड्या की जिंदगी की वो तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश करेगा जो कभी भी आपको टीवी पे नहीं दिखेगी। तो आइए शुरू करते हैं। हार्दिक पांड्या के जो पिता थे हिमांशु पांड्या, वह सूरत में एक कार फाइनेंस का बिजनेस करते थे, पर उन्होंने वो बिजनेस सिर्फ इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि जब हार्दिक पांड्या 5 साल के थे वह बड़ोदरा शिफ्ट हो गए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सूरत में कोई इतनी अच्छी क्रिकेट की एकेडमी नहीं थी जो क्रिकेट की अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, और सिर्फ इसीलिए उन्होंने अपने काम को सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि वह हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या को क्रिकेटर बना सके। इसलिए उन्होंने बड़ोदरा में जाके उनको किरण मोरे एकेडमी में जाके दाखिला दिलवाया था। पर आज हम जब देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हार्दिक पांड्या बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, इतने पॉपुलर क्रिकेटर बन चुके हैं, पर उसके पीछे हमें इस चीज का भी ध्यान देना होगा कि कितना सैक्रिफाइस उनके घर वालों ने इस चीज के लिए किया है। 2015 में जब आईपीएल में मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच पहला क्वालिफायर खेला गया तो क्रिकेट के जो भगवान सचिन तेंदुलकर हैं उन्होंने खुद हार्दिक पांड्या से कहा था कि हार्दिक तुम 18 साल में देखना इंडिया टीम में खेलते हुए पाए जाओगे। पर इत्तेफाक ये हुआ कि 18 महीने नहीं, 1 साल के अंदर हार्दिक पांड्या ने इंडिया टीम में जगह बना ली, और उसके बाद की जो कहानी है वह तो हम सभी जानते हैं। अगर कभी आपने नोटिस किया हो तो हार्दिक पांड्या के हाथों में 4 टैटू हैं, और चारों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दर्शाती हैं। जो पहला टैटू है वो बताता है कि टाइम इज मनी, दूसरा टैटू बिलीव इन योरसेल्फ, तीसरा टैटू नेवर गिव अप, और चौथा एक टाइगर का टैटू है। चारों ही टैटू एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लाने के लिए उन्होंने अपने हाथों पे बनवाए हैं। हार्दिक पांड्या को सबसे ज्यादा गाड़ी यानी कार्स का शौक है, और हाल ही में उन्होंने ऑडी A6 बाय करी है जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है, और इसके अलावा भी उनके पास कई गाड़ियों का कलेक्शन है जिसमें से रैंड रोवर SUV भी है। यही नहीं, उन्होंने अपने पिता की तरफ एक ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए उनको हाल ही में जीप कंपास कॉम्पैक्ट गिफ्ट करी थी फॉर ऑल द सैक्रिफाइसेस ही हैज मेड टू मेक हिम अ क्रिकेटर। आपने कई बार नोटिस किया होगा अलग अलग मैचों में कि हार्दिक पांड्या ने कई बार अपने क्रिकेटिंग कैरियर में अपने बालों को कलर करवाया था। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास अचानक से पैसे आ गए थे तो उनको एक अलग ही शौक था इस चीज का, बल्कि सच ये है कि बचपन से ही हार्दिक पांड्या को हेयर कलर कराने का बहुत शौक था, और बचपन से ही वह इस चीज के लिए अपनी माँ से डांट खाते हुए आए हैं। और जब हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट के दौरान भी यह चीज रिपीट करी थी तो कहीं ना कहीं फिर से उनको इस चीज के लिए अपनी मम्मी से काफी खरी खोटी सुननी पड़ी थी, जबकि वो तब बहुत बड़े क्रिकेटर बन चुके थे। और उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कई सालों में हार्दिक पांड्या ने फिर अपने बाल दोबारा कलर नहीं करवाए। हम कई क्रिकेटर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, पर आज तक कभी भी हार्दिक पांड्या की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कहीं नहीं बताया गया। तो मैं बता दूं कि हार्दिक पांड्या वन ऑफ द लीस्ट एजुकेशनली क्वालिफाइड लोगों में से हैं जो आज क्रिकेट में हैं, क्योंकि उन्होंने 9th क्लास भी पूरी पास नहीं करी है। वे 9th में ही फेल हो गए थे और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मुझे ड्रॉप आउट ले लेना चाहिए और मुझे क्रिकेट की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर वो आज इस चीज को अप्रिशिएट करते होंगे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही, और सेम चीज आज पूरा देश भी अप्रिशिएट करता है कि कहीं अगर उन्होंने जरूरत से ज्यादा ध्यान वहां दे दिया होता तो शायद आज वह उतने बड़े क्रिकेटर में भी नहीं होते जितने कि आज हैं। हार्दिक पांड्या के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, और यह रिकॉर्ड 1 ओवर में टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडियन का है। यह रिकॉर्ड ना ही सहवाग या धोनी के नाम है बल्कि यह खुद हार्दिक पांड्या के नाम है, 26 रन। यह बात हार्दिक पांड्या की जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे, और ये बहुत ही इंस्पायरिंग है कि हार्दिक पांड्या जब अपने स्ट्रगलिंग डेज में थे तो कई रातें ऐसी उन्हें गुजारनी पड़ी कि उनको और कृणाल पांड्या को मात्र 10 रुपए की मैगी आधी आधी शेयर करके सोना पड़ता था। वैसे तो हार्दिक पांड्या अपने फेवरेट क्रिकेटर में इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा का नाम लेते हुए आए हैं, पर जब भी उनसे ऑल टाइम उनके फेवरेट क्रिकेटर की बात की जाती है जिनको देख के वह इंस्पायर हुए क्रिकेटर बनने के लिए, तो वह और कृणाल पांड्या दोनों हमेशा ब्रायन लारा का नाम लेते हैं।
ये बात उस समय की है जब हार्दिक पांड्या का अंडर 19 में सिलेक्शन हो चुका था और अंडर 19 खेलने से ठीक 5 से 6 महीने पहले इतनी फाइनेंशियली हालत खराब थी हार्दिक पांड्या के घर की कि उनके पास किट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उनको किट बोरो करके क्रिकेट खेलने जाना पड़ता था और उसी वक्त उनके फादर को 2 लगातार हार्ट अटैक आ चुके थे, तो उसमें इतना खर्चा हो चुका था कि वह लोन लेके उस इलाज की भरपाई कर रहे थे और फिर वह लोन की ईएमआई पे ईएमआई भरने में लगे हुए थे। हालत इतनी खराब थी कि जब 3 से 4 महीने रह गए थे अंडर 19 का टूर्नामेंट होने में, तो हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या गांव में जाके मैच खेल के 500-400 रुपए जीत के लाते थे और उससे घर का खर्चा चलाते थे। तो अगर हार्दिक पांड्या की जिंदगी के बारे में 10 ऐसी बातें जान के आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी जबरदस्त वीडियो लाता रहूंगा जिसमें मैं अमेजिंग पर्सनैलिटीज से जुड़ी अमेजिंग बातें करूंगा या अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो कभी आपने नहीं सुने होंगे, जिनको सुन के आप भौचक्के रह जाएंगे। और मैंने सच में मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आगे आने वाली वीडियोस में आपने जो ये सब्सक्राइब किया अगर मेरे चैनल को, तो कभी आप इस चीज का अफसोस नहीं करेंगे, आप ऑलवेज अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और ऐसी चीजें मुझे देखने को मिली। सो थैंक यू गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में।